सब्सक्राइब कीजिए मेरे इंडिएटर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन पर ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनानी। हमारे रेडियो आवाज़ FM 105.6 के सामीन इस प्रोग्राम को रेडियो आवाज़ पर सुन सकेंगे, जबकि हमारे सोशल मीडिया के नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम को रेडियो आवाज़ के वेब पेज पर देख सकेंगे। नाज़रीन और सामीन, आज मैंने जंग के डिप्टी कमिश्नर जनाब मोहम्मद ताहिर भट्टू साहब को दावत दी है अपने साथ कि ये आज हमें बताएं कि जंग में ख़ास तौर पर जो तरक्याती काम चल रहे हैं उस हवाले से भी, और जो रुके हुए हैं तो क्यों रुके हुए हैं, तो इनके साथ इस पर बहस होती रहेगी, बातें चलती रहेंगी, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि जैसे आपको पता चला कि जंग मेरा ट्रांसफ़र हुआ है या जंग तैनात हुए हैं, तो आपके जहन में सबसे पहले जंग की क्या तस्वीर आई? देखिए, जंग जो है आपको पता है कि एक जितनी भी ब्यूरोक्रेसी में लोग आते हैं एक किस्म का रोमांटिसिज्म जो है कि लोगों के माइंड में आता है, वो आपका कुदरतुल्ला शाब जो है कि उनका जो शाब नाम है अक्सर लोग वो पढ़ते हैं बचपन में, और काफ़ी सारे लोग जो सर्विस में शायद सिर्फ इस वजह से आए हैं कि वो शहाबनामा पढ़ के वो जो एक डिप्टी कमिश्नर का एक रोल है, या तो एक जो पहली पिक्चर आपके जहन में आता है कि जो झांकी आती है आपके जहन में, वो ये आती है कि जी बड़ा ट्रेडिशन वाला आला रवायात का हामिल एक बड़ा तारीखी एक ये शहर और ज़िला है, और जब भी आप ऐसी जो जहाँ पे तारीखी और रवायात वाली शहर की और लोगों की बात करते हैं तो वो फिर जो कोई भी ऑफिसर जो है उसे अट्रैक्ट करता है कि जी वहाँ पे आपको पता है कि अगर रवायात हों तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो है कि वो अच्छी तरह जो है कि वो चलती हैं, और लोग जो है कि वो इज़्ज़त देना और लेने के जो प्रिंसिपल पे वो चलते हैं। यानी आप एक अच्छी तस्वीर देख कर जंग की आई, उसके बाद आप जंग तशरीफ़ लाए, और आपको जंग किस तरह लगा उसके बाद, यानी एक तरक्की याफ्ता शहर लगा या आपको पसमानदा लगा? तो आपने विज़िट तो किया ही है ना शहर का, तो आपको कैसी तस्वीर लगी कि जो आपने पहले अपने जहन में बनाई उसके बाद यहाँ आके आपको कैसा लगा कि शहर कैसा? देखे, जब आप किसी शहर या किसी कस्बे की या किसी ज़िले की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो जो उसका फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो चीज़ें वहाँ पे सड़कें कैसी हैं, हॉस्पिटल कैसा है, दूसरी तीसरी, तो उसमें तो वो जो तरक्की थी अपना जो होनी चाहिए थी वो तरक्की वो नज़र देखने में नहीं आई। सीवरेज का बहुत बुरा हाल था, जब इनिशली आए तो 4-5 महीने तो वो सारी सीवरेज लाइनों पे ही मेरे गुजर गए, अगर रात को सारी रात बैठ के वहाँ पे, तो फिर भी जो है कि वो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो 100% जो है कि सीवरेज के मसाइल जो है कि वो हल हो सकते हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है कि वो चाहिए, उस पर काम नहीं हुआ। इसी तरह जो है कि बाकी जो जितने थे रोड्स थी आपकी जो डेवलपमेंट थी उसमें, यानी वो आपको नज़र आया कि इसे तरक्की जो है ना इसे चाहिए, अभी ये उस लेवल पे नहीं है इस पर। अच्छा, आजकल एक बड़ा चर्चा है, जंग कॉरपोरेशन बन गई, एक अच्छी बात है और जंग वालों के लिए एक अच्छी खबर भी थी, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़रा अपने अल्फाज से ज़रा इसे एक्सप्लेन कर दें कि इसका फ़ायदा क्या होगा शहर को, और दूसरा ये कि इसमें इसके रेवेन्यू किस तरह जनरेट किया जाएगा। कॉरपोरेशन की जाहिर बात है इसके लिए बजट भी उसी लेवल का चाहिए होगा, अपने आप गवर्नमेंट यकीनन देगी, लेकिन जो इसने खुद जनरेट करना है उसके बारे में आपकी क्या प्लान है? देखिए, इसमें जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने जो पिछली बार रह गई थी उसमें थोड़ी मैं करूँ, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बिल्कुल मसाइल तरक्की के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग जो है कि वो आला रवायात के हामिल और अमीन हैं, और लोगों का रवैया जो है आपस में भी बड़ा इज़्ज़त और रख रखाव वाला, और अफसरान से भी बड़ा इज़्ज़त और रख रखाव वाला। तो कम अज़ कम मुझे जो 7 महीने या 8 महीने का जो टेन्योर हुआ है, मैंने काफ़ी जगह सर्विस की, लेकिन यहाँ पे वो रख रखाव वाला और बड़ा अच्छा एक जो है अंदाज़े गुफ्तगू भी और अंदाज़े ज़िंदगी भी देखने को मिला। दूसरी जो एक चीज़ है कि लोगों की इंटेलिजेंस जो है, इंटेलेक्चुअल लेवल जो है लोगों का बहुत ज़्यादा है, तो लोग जो है कि वो इंटेलेक्चुअली बहुत आप रिच हैं, यहाँ पर एजुकेशन में देखे, सेक्टर में देखे, किसी मैं कह रहा हूँ कि मीडिया में देखे, सर्विसेज जो है हमारी सिविल सर्विसेज उनको देखे, तो यहाँ से लोगों ने एक्सेल किया है जंग से,
और ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है जंग के लोगों की, और इस हवाले से जंग जो है कि वो अपनी नो डाउट इसने अपनी मिसाल टैलेंट की कमी नहीं है जंग में, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बाकी जो दूसरा आप कह रहे हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक तो इमीडिएट जो फ़ायदा ये है कि एक तो उसकी जो अभी जो उसकी लिमिट्स डिटरमिन हुई हैं वो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी कि अगले 10 साल जो है कि उनको सामने देखते रखते हुए जो है कि वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट्स जो है वो डिटरमिन की जाए। अभी भी जो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो एरिया एक्सपेंड इसका किया गया है और काफ़ी नए एरिया जो है कि इसमें लिए गए हैं, जैसे रेलवे लाइन की एक साइड पे म्यूनसिपल कमेटी थी, दूसरी साइड पे जो है कि यूनियन काउंसिल थी, और एक तरफ तो स्वीपर और सारा कुछ अवेलेबल था, दूसरी तरफ जो है कि वो गली की सफाई करने के लिए भी उनको महीनों जो है कि कोई बंदा जो है कॉलिंग करनी पड़ती थी, और स्टाफ कम होने का बल्दिया वाले अक्सर होना होते थे स्टाफ जो के एन होते थे, कोई ईद का बकरा ईद का मौका हो गया या कोई इस तरह का, उस वक्त उनको स्वीपर मिल जाता था या कोई बंदे, अदरवाइज जो है कि वो उनको कोई फैसिलिटी नहीं। तो ये इमीडिएट जो है कि वो एक पूरा इलाका जो है कि वो इसमें आएगा, गवर्नमेंट जो है कि इसमें अभी हमें इजाज़त भी देगी न्यू जो स्वीपिंग स्वीपर जो है कि वो उनका भी रखने का। फिर इसके अलावा हम कुछ जेनिटोरियल जो कंपनीज हैं उनके साथ भी हमारा ये कि कॉन्ट्रैक्ट करके तो हम इसको भी इस एरिए को लें। अच्छा, इसकी वजह से जो है कि इमीडिएटली आपकी काफ़ी सारी पॉपुलेशन लाखों में, एक तो वो उन तक ये जो फैसिलिटीज़ है बेसिक फैसिलिटीज़ ये एक्सटेंड हो जाएंगे। दूसरा जो उसका फ़ायदा जो रेवेन्यू का ये है कि आपको देखे इसमें हाउसिंग सोसाइटी जो है कि वो शहर से सारी बाहर पड़ेगी, बाहर बनेगी, वो इनकम आपकी जो है कि यानी उनके टैक्सेस में कहीं इजाफा होगा जो कि उसमें पहले ज़िला काउंसिल में आया था। बिल्कुल, अभी लारी अड्डा जो है कि वो बाहर प्रपोज किया हुआ है, इसी तरह जो है कि वो हमारी जो कोर्ट्स हैं इनको भी बाहर प्रपोज कर रहे हैं ये चाक घुमनाना वाले एरिए में, तो काफ़ी सारे जो है कि आपको पता कि कंजेशन होगी तो इदारे भी काफ़ी सारे जो है कि वो बाहर निकलेंगे। इसी तरह हमारा आपको लैंड रिकॉर्ड का आपको पता है कि वो भी शहर से बाहर निकल गया है, इसी तरह बेशुमार दफातर जो है कि वो शहर से बाहर, हमारी आपको पता है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर कॉलोनी भी जो है कि वो शहर से बाहर ही है। तो ये पूरा एरिया जो एक्सपेंड होगा तो डेवलपमेंट जो है इसके नए एवेन्यूज़ जो है कि वो सामने आएंगे, और जब डेवलपमेंट ये एरिया डेवलप होंगे वहाँ पे बिल्डिंग बनेंगी, दूसरा बनेंगी, उनके नक्शा जात की जो है कि वो फीस होगी, फिर उसमें जो गवर्नमेंट के रिसोर्स जो है कि वो लोगों की पॉपुलेशन और उस एरिए के तनासब जो वो बढ़ेंगे, तो फ़ायदा जो है कि ओवरऑल काफ़ी यहाँ के लोगों को होगा। सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़, और आज हमारे मेहमान हमारे साथ हैं डिप्टी कमिश्नर चंग जनाब मोहम्मद ताहिर भट्टू साहब, इनसे हम शहर के हवाले से जो तरक्याती प्रोजेक्ट हैं उन पर भी बात कर रहे हैं, और उसके अलावा हमारी कोशिश है कि इन तक हम वो मसाइल भी पहुँचाएँ जो शायद अभी तक छुपे हुए हों। तो सर, आपने जंग से जो बस स्टैंड थे जगह जगह बने हुए, आपकी बड़ी अच्छी काविश थी कि आपने उन्हें मुंतकिल किया और ख़ास तौर पर लारी अड्डा गए, लेकिन लारी अड्डा में आज तक जो सहूलियात का फुकदान है वो आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है, ट्रांसपोर्टर उससे तंग है, मुसाफिर तंग है, तो उसे कुछ बेहतर करने जा रहे हैं या जिस तरह आप अभी बता रहे हैं कि कहीं और ये बनेगा, तो जब प्रोजेक्ट किसी और जगह बने या शुरू होने तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इतनी देर ये लोग जहाँ तंग होते रहेंगे। दूसरा सवाल ये है कि कुछ लोगों का इतराज़ ये है कि एक आधे ट्रांसपोर्टर को यहाँ सिर्फ रखा गया है कि वो अपनी ट्रांसपोर्ट उसने वहाँ कायम रखी हुई है, शायद उनका ब्यूरोक्रेसी में अच्छा किरदार है, इस वजह से कोई ताल्लुक है आपका? नहीं, उसमें दो चीज़ें हैं, उसमें पहली बात तो ये है कि जो लारी अड्डा जो है तो अक्सर जगहों पे जो लारी अड्डे हैं वो अपनी जो उन पर एक्सपेंडिचर होता है वो एक्सपेंडिचर जो है कि वो पूरा करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो लारी अड्डा था ये बना था, पुराना बना था, फिर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, उस वजह से ये डिटीरियोरेशन का जो है वो शिकार हुआ, और इस लारी अड्डे की डिटीरियरेशन की वजह से अभी दूसरा इसमें इशू ये है कि इसकी जो फ़ी है जो चार्ज करती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो वो बहुत थोड़ी है, वो हमने गवर्नमेंट को भिजवाई है कि वो रेट जो है कि इसके बढ़ाए जाए, तो फिर हम इसमें अगर वो बढ़ जाता है तो हो सकता है कि हम ये रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को दे दें और वो जो एक्सपेंडिचर है वो उस पर लगेगा। बाकी इसमें दो अराए जो है कि वो नहीं है, थोड़ा बहुत काम तो बेसिक तो करवाया हमने लेकिन उसमें काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मसाइल जो है कि बिल्कुल वहाँ पे हैं,
लेकिन यहाँ पे शहरियों का दरीना इशू ये था कि यहाँ पे सिटी के अंदर एक्सीडेंट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं और ट्रैफिक जो है वो चौक होती है, इस वजह से ये अड्डे निकाले गए थे। बाकी जो एक अड्डा यहाँ पे है वो भी लीगल प्रोसेस जो है उनको भी हमने डिस्प्लेस किया था, लेकिन उनको जो ऊपर से स्टे जो है सेक्रेटरी साहब ने वो दिया, वो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने, और उनका भी जो है कि ऊपर केस चल रहा है। तो वो ऐसा नहीं कि कतन के कोई किसी का रिलेशन या कोई ऐसा कि वो एक मैरिट की जो है हर बंदे को अपील कर रहा है। तो बाकी अड्डों वाले भी ऊपर गए, उन्होंने भी अपील की हुई है। तो जो भी एक लीगल प्रोसेस होगा उसके नतीजे में जो भी फैसला होगा उसको हम इम्प्लीमेंट करें। सर, झंग के शहर के अक्सर सुना जाता है कि कभी फैसलाबाद रोड जो है वसी हो जाएगा, बंद भी कर दिया जाएगा, इसी तरह बखर रोड के बारे में, क्या वाकई कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे कोई काम हो रहा है? हमारे लिसनर्स को भी पता चलना चाहिए और शहरी जो खासतौर पर हमें देख रहे हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया के पेजेस पर, उन्हें भी आज ये क्लियर कर दी कि क्या वाकई कुछ होने जा रहा है या होगा या इसी तरह शहर नज़र आएगा जिस तरह चल रहा है। इस पर अभी जो है कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट, जो एक तो इस प्रोजेक्ट की हमने भी रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से, और MNA और MPA जो है उन्होंने भी जो जान के हैं उन्होंने की है रिक्वेस्ट के लिए, जो फैसाबाद रोड है इसको डुअल जो है कि वो कर दिया जाए। दूसरा, इसमें काफ़ी सारे शहर के अंदर रोड्स वगैरह हैं, इनके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो एक एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए जो है एक लोन जो है कि वो दे रहे हैं कि वो उस लोन से अपना जो रोड्स हैं उनकी रिपेयर जो है कि वो फर्स्ट फेज में होगी। कुछ रोड जो जैसे हमारा सरगोधा रोड है वो हम कर रहे हैं कि जो बाकी है हमारा कुछ जो है डबल है, आगे डबल तो नहीं होगा लेकिन ये रोड जो है कि वो प्रॉपर इसको रोड को अभी ये इसका हमने टेंडर हो रहे हैं 28 को और ये इसका काम, यानी अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए इसी तरह से दीकाबा रोड है उसका कार्य अभी जो हमारा प्राइम जो है कि वो उसमें, क्योंकि शहर की तो काफ़ी जो ये एक दो प्रोजेक्ट आ रहे हैं हमारे, फिर इसमें हमारा एक प्रोविंशियल जो एक प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी काफ़ी सारे रोड्स और वो उसमें भी 5 करोड़ तक जो है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है कि वो दे रही है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, वो भी रोड्स की रिपेयर और उनके लिए जो वो अवेलेबल होगा आने वाले दिनों में। तो मेरे ख्याल में जो रोड जितने भी हैं वो रिपेयर जो है कि वो आलमोस्ट सारे ही जो जहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत है वो हो जाएंगे, जितने फंड जो है कि वो अन करीब आ रहे हैं हमें, यानी अच्छी उम्मीद शहर को। बाकी कुछ एक रुआदा रोड हमारा जैसे सिद्दीकाबाद वाला है वो हमने उसका टेंडर जो है कि वो 28 तारीख को उसका भी हो रहा है, और बाकी इसके बाद जो अगला हमारा है ये उसको हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने कल ही मेरी बात हुई थी डिशन चीफ सेठ साहब से भी, वो है हमारा जो बाईपास है अलीबाद से वो लेके जो ऊपर सरगोधा बाईपास है वो आगे हमारी प्रायोरिटी है कि ट्रैफिक जो है कि वो अगर बन जाता है तो ताकि शहर के अंदर जो है कि वो हैवी ट्रैफिक है वो दूसरा बिल्कुल ना। तेजाबजात एक शहर का बड़ा मसला है, सिर्फ झंग का नहीं, ओवरऑल पूरे पंजाब में हम देखें कहीं ना कहीं तेजाबजात का होते ही है। तो झंग के जो बाज़ार हैं खासतौर पर, आप कोर रोड देखें, शहीद रोड देखें, इसी तरह जो मेन बाज़ार है, रेल बाज़ार है, तेजाबजात नहीं ख़त्म हो पा रहे, ये क्या इसमें कौन सी प्रॉब्लम, क्या अंजुमन ताजरान इसमें मसाइल बनते हैं जो लोग खुद तेजाबजात के आते हैं ज़मरे में और वो कहीं रुकावट तो नहीं होती? लेकिन इसमें अंजुमन ताजरान और वो तो कोऑपरेटिव है, कोई यहाँ पर बड़ी अच्छी अंजुमन ताजरान के लोग हैं और वो हमेशा कोऑपरेटिव होते हैं। हमारी एक आधी जगह है जहाँ पे कुछ हमारी इंक्रोचमेंट है, वहाँ पे शायद ऑपरेशन हम आने वाले दिनों में वो करेंगे, मैं उस पर कोऑपरेशन की, काफ़ी सारी शॉप्स हैं जिस पे लोग ऐसे बैठे हैं। कुछ हमारा एक कब्रिस्तान है यहाँ पे जठियाना में, उसका जो है इंक्रोचमेंट का काफ़ी इशू है, उस पर भी हम जो है तो वो लगे हुए हैं और उसका लीगल प्रोसेस कम्प्लीट करने के बाद उस पर भी इंशाल्लाह ऑपरेशन जो है कि वो करेंगे। बाकी जो छोटी इंक्रोचमेंट, आपको पता है कि जो पिछली दफ़ा काफ़ी सारी इंक्रोचमेंट रिमूव की गई थी, अब उसमें जो छोटी इंक्रोचमेंट है, रेड़ी है, दूसरा इनकी फिर लिमिट होती है क्योंकि कुछ लोगों का रोज़गार यही होता है, उसमें थोड़ा सा हम करेंगे ज़रूर, लेकिन उसको कोई जगह एलोकेट करके तो कोशिश करेंगे इनको वहाँ पर हम जो है कि वो भेजते और वहाँ से भी ऑपरेट करें। चंग यूनिवर्सिटी एक अच्छा प्रोजेक्ट है और माशाल्लाह अब तो क्लासेस का भी आगाज़ हो चुका है, तो इसमें एक इशू चल रहा है कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी को कहीं मर्ज किया गया है, तो ये इसमें किस बात तक हकीकत है? और दूसरा ये कि अगर ये मर्ज हो गई है तो इसकी जो बिल्डिंग बनी है लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की वो किस काम आएगी?
लेकिन इसमें जो अपना ये को ऐसा नहीं है कि पहली बात तो ये है कि हमारा अभी उसमें बजट में एलोकेट हो चुके हैं एडीपी में जनरल यूनिवर्सिटी के, अभी उसकी पी डीडब्ल्यूपी भी है 25 तारीख को, उसमें जो है ये प्रोजेक्ट फाइनल हो जाएगा। और उसमें ये ऐसा नहीं है कि ऐसा एक गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि जितने सब कैंपसेस हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, बजाय वो सारी यूनिवर्सिटी जो है डिफरेंट सब कैंपसेस बनाए, तो वो जो भी यूनिवर्सिटी वहाँ पे मेन है जैसे सरगोधा में सरगोधा यूनिवर्सिटी है या इस तरह, वो कैंपसेस सब कैंपसेस जो है तो वो उस जो यूनिवर्सिटी को एरिए की बड़ी यूनिवर्सिटी है उसको दे दिए जाए, तो बजाय वो लाहौर से बैठ के को मैनेज करें या को सरगोधा से बैठ के मैनेज करें या बहाउद्दीन जक्रिया वाले मुल्तान से करें, तो वो जो सब कैंपसेस हैं वो अगर जहंग यूनिवर्सिटी बन रही तो जहंग को दे दिए जाए, सरगोधा में बन रहे तो सरगोधा। तो ये कोई किसी का इदारे का स्पेसिफिक वो ऐसा डिसीजन नहीं है, और उसमें भी जो गवर्नमेंट ऊपर से डिसाइड करेगी ऑब्वियसली गवर्नमेंट देख के सोच के वहीं करेगी, और जो गवर्नमेंट का ये डिसीजन है हम इसमें अगर कोई ऐसी है रिजर्वेशन तो वो तो हमने ऑलरेडी ऊपर तक इनकी कन्वे हो चुकी है यदि वो इसमें कोई इस तरह की हैं ऑब्जर्वेशन, तो मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी जो है कि वो बन जाती है और अगर सारी ये चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो उसमें अगर हमारे पास मज़हब जैसे है टैपटा का है जहंग ये वेमेन कैंपस नया बन रहा है, दूसरा तीसरा, अगर ये सारे कैंपसेस जो है अगर जहंग यूनिवर्सिटी को फौरी तौर पे मिल जाते हैं तो ये जो 18-20 साल में जो सफ़र इन्होंने तय करना है ये फिर एक साल में जो है कि वो तय करके सारे वो डिपार्टमेंट्स जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए, ये एक अच्छी बात है। अच्छा एक और इशू चल रहा है कि गुज़श्ता दिनों आप चेयरमैन हैं जहंग उसके जेट के, तो उस हवाले से कोई प्रिंसिपल्स का इशू है कि वहाँ जो सिलेक्शन हुई है वो जिस तरह सिलेक्ट होते हैं लोग वो बारों बार हुई है, तो क्या इसे भी आज क्लियर कर दें, क्योंकि आपकी तरफ से हमें यही मैसेज मिला था कि प्रॉपर पेपर वर्क के ज़रिए ही आए हैं, तो इसमें हकाइक क्या है ये भी हमारे। इसमें जो हमारी स्क्रूटनी होती है कैंडिडेट्स की वो अप्लाई करते हैं, स्क्रूटनी जो है कि वो हमारे जो डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस हैं उन्होंने करनी होती है, और वो स्क्रूटनी उन्होंने करके जो एक लिस्ट बनी थी शॉर्ट लिस्ट उसमें जो है कि वो उनका नाम है वो उसका आप रिकॉर्ड जो है कि वो जो डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस के ऑफिस से वो ले सकते हैं। बाकी जो उनकी ऐसी ऑलरेडी वो फौजी फाउंडेशन में काम कर रही थी, और फौजी के इदारे जो आपको पता है कि फौजी फाउंडेशन के या किसी के हों तो वो जनरली ग्राउंड चेक का आपका बैकग्राउंड चेक वो सारा करने के बाद जो है वो आपको पता है मुख्तलिफ इदारों से चेक करने के बाद ही बंदे को अपने इदारे में नौकरी देते हैं। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में ऐसी जो क्या सराइयाँ या वो ऐसी वो उससे प्रिंसिपल के आप एक तो वो खातून है वो उनकी एक तकदीस भी है, और दूसरा जो है कि उससे कॉलेज के इमेज को भी जो है वो बनता है, और बाकी दूसरी ये है कि उसमें जो बोर्ड ऑफ गवर्नर में उसमें एक मेंबर नहीं, उसमें को तकरीबन 10-11 लोग जो है कि वो बैठते हैं, और इसमें डीसी के अलावा जो है कि वो भी बड़े अच्छे जो है कि मेंबर ट्रस्ट के बकायदा जो सिलेक्शन कमेटी जिन्हें आप कह सकते हैं वो बैठते हैं, तो ऐसी जो है कि वो करना कि वो कतन गलत है, और जो फैसला किया है पूरी दयानतदारी से ईमानदारी से और किया है और अपना खलूस से किया है, अगर कुछ ऐसा को अगर हमें ऐसा कुछ लगे कि ये ऐसा उसमें है तो वो ऑब्वियसली कोई गवर्नमेंट सर्विस तो नहीं है, तो वो हमारे पास राइट ऑफ चेंज या वो तो हमेशा होता है, और मैं आई एम क्वाइट होपफुल कि ये अच्छा चलाएंगी, और इसमें फिर आगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की हमारी मीटिंग जो होती रहती है और उसमें हम परफॉर्मेंस जो है एवेल्यूएट भी करते हैं। आजकल सर एक इशू पिछले दिनों यहाँ जंग में उसने जन्म लिया बल्कि हवेली बहादुर शाह में कि वो कुछ शिफ्टिंग का मामला है कब्रिस्तान का, तो ये लीगली ही काम हो रहा है सारा कि जिसमें से कब्रिस्तान से मैयतों को या उन लोगों के जो प्यारे थे उनकी बाकियात को मुंतकिल किया जा रहा है दूसरी जगह, तो इस हवाले से क्या उन्होंने अपना लीगली तरीका अपनाया है? जो है कि वो कुछ लोग थे उन्होंने एक का नाम नवाज था इस तरह करके एक दो और लोग थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी मजिस्ट्रेट को कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उनको दी थी कि हमें हमारे जो प्यारे हैं उनकी जो कबूर है वो जो एरिया अक्वायर किया उन्होंने, जहरी बात है कब्रिस्तान तो अक्वायर नहीं होते वो गवर्नमेंट की लैंड जो है वो होते हैं, तो वो जो उस एरिए में है वो आ गए हैं, और इसमें जो है कि फ्यूचर में
हमें जो है कि वो मुश्किल होगी वहाँ पे कब्रों पे ज़ियारत करने पे, उन पर दुआ करने के लिए। और वो जो तकदीस या एक कब्रों की होती है, वो शायद जो है कि अगर उसके अंदर आ जाती तो वो मेंटेन ना रहे वहाँ पे उनकी सैंक्टिटी। तो वो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, मजिस्ट्रेट साहब ने वो फिर उसको फाइनल करके तो वो भेज दिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। फिर उन्होंने जो है कि वो आपस में बैठ के उन्होंने को फतवा भी लिया हुआ है, वो ज़्यादा लोग यानी उन्होंने अपना पेपर वर्क पूरा करके उसके बाद ये काम। उन्होंने फतवा। सामिन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़, और आज हमारे मेहमान हैं जनाब डिप्टी कमिश्नर छंद मोहम्मद ताहिर भट्टू साहब। आखिर पर मैं इनसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जो है कोई भी डिप्टी कमिश्नर किसी भी इलाके में जाए तो एक ख्वाहिश होती है कि इस शहर में मैं कोई ऐसा तरक्याती प्रोजेक्ट लॉन्च कर जाऊँ जिस पर जो है इलाके के लोग मुझे याद रखें। तो आपने क्या छंद के बारे में कोई ऐसा प्रोजेक्ट सोचा है जिस पर कल आप ट्रांसफ़र हो जाते हैं कल को, तो हम कम अज़ कम झंग वाले आपको इसमें याद रखें कि ये प्रोजेक्ट झंग की तरक्की के हवाले से इसका क्रेडिट आपको जाता है, तो क्या हो सकता है? देखिए, इस पर काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको पता है कि जब मैं आया था तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने की भी हैं। उसमें हमने सर्किट हाउस को रेनोवेट किया है ना, ट्रैफिक सिग्नल जो है कि वो अभी और भी जो है कि वो लग रहे हैं, रोड जो है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने की हैं, और सीवरेज पे भी अभी जो है कि वो इंशाल्लाह लगे हुए हैं। बाकी जो है कि वो हम एक, आपको पता है कि जो हमारा जंग का बड़ा पुराना क्लब है और ये ब्रिटिश पीरियड में बना था जंग क्लब, जी जंग क्लब, और ये इसकी लैंड वगैरह या वो सारा कुछ जो है वो जंग क्लब के नाम पर थी। और वो उसमें कुछ लोगों के इतराज़ात भी थे कि अमीरों के लिए शायद ये बन रहा है, तो उसमें ये था कि फीसिस पे है लोगों को अभी भी नहीं, लेकिन उसमें ये बहुत पुराना चल रहा है कि मसलन जंग क्लब जो है कि वो ये जो मुख्तस राजी जो है कि वो डेडिकेटेड जो है कि अलॉटेड जंग क्लब के नाम पे वो डेजिग्नेटेड है। और ये अपना जो है कि ये एक जगह पर नहीं, ये हर जगह पर जो है वो आपका जो फीस जो है वो है, और अभी तो इनिशली कम होती फीस, बाद में जो है कि वो बढ़ती जाती है। तो ये भी एक सोशल इंटरेक्शन का जो हमारा ये बनेगा जिमखाना क्लब, ये भी एक सोशल इंटरेक्शन का काफ़ी है। इससे एक महीने में अभी हमारी छत जो है फर्स्ट जो है फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा, उसका काम शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम इसको ऑपरेशनलाइज जो है वो कर देंगे। बाकी इसमें ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट होगा और लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा भी होगा, एक बैठने की जगह फैमिलीज की यहाँ पे अभी सहूलियात। तो सिर्फ ये है कि देखिए अभी जंग में कोई ऐसी आपको जगह नहीं मिलती जहाँ आप फैमिली के साथ जो है तो वो रीज़नेबल तरीके से जा सकें, खाना खा सकें बच्चों को, वो तो ये बड़ा एक इशू है। देखिए आपकी जो जितना आप, हम लोग तो सारा दिन बाहर घरों से निकालते हैं, अगर आपकी फैमिली जो है कि उनको आप घर तक जो है कि वो अपना जो उनको कोई एक्टिविटी या कोई अब बाहर जो है कि वो ना जा सके, तो ये भी इससे फ्रस्ट्रेशन और जो स्ट्रेस है घर में वो बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर इंडिपेंडेंटली हम जो है कि फैमिलीज का टाइम जो है वो मैनेज कर सके, 8 से 4 या 9 से 4 या 10 से 4 कोई टाइम भी जिसमें जो है तो वो हमारे जो फैमिलीज जो है तो सिर्फ वो इंडिविजुअली वहाँ पर जा सकें, वहाँ पर खाना खा सकें, वहाँ पे जिम की फैसिलिटीज होगी, बेशुमार चीज़ें जो है कि वो आपको आती। अब देखिए हमारे ख़वातीन में डायबिटीज़ जो है वो बहुत बढ़ रही है, इसी वजह से वॉक नहीं है, बाहर निकलने की जगह नहीं है, हमारा घर में जो है कि वो हमारा वो बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारा जो जनरली ये हमारे जो ट्रेडिशनल से डिस्ट्रिक्ट हैं ये जेंडर शायद डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब वो ऐसा नहीं है कि ख़वातीन बड़ा वो ओपनली या ईजी बात ईजी जो है कि वो बाहर निकलना नहीं है, तो इसलिए ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे वो जा सकें जिनकी फैसिलिटी भी होगी, दूसरी तीसरी जहाँ पे कोई एक्टिविटी जो है कि वो हो सके उनकी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और हमारा भी ये था कि एक फैसिलिटी ऑलरेडी है तो उसको जो है कि वो बेहतर किया जा सके। सर एक और सवाल मेरे जहन में अभी आया कि अक्सर ऐसे होता है कि ब्यूरोक्रेसी पर सियासी दबाव बड़ा होता है, मकामी सियासतदानों का काफ़ी उसमें होता है कि ये काम करना है ये नहीं करना, या इस काम बाज़ दफ़ा रुकावटें बनते हैं बाज़ कामों में, तो क्या झंग में भी कोई ऐसा सीन है कि आप कि कोई सियासी प्रेशर हो किसी भी काम के हवाले से जो आप करना चाहते हो अच्छा काम, और आप में कोई रुकावट हो जिसमें सियासी भी हो सकती है या कोई? देखिए इसमें एक चीज़ तो ये है कि हमारी सोसाइटी में पता नहीं
एक वो हमारा एक मिथ डेवलप हो गया कि वो जो ब्यूरोक्रेसी जो है कि वो पॉलिटिशियन जो है उसको जब वो सिफारिश करता है तो वो अपना पहले मानी जाती है। पब्लिक डायरेक्ट आपके पास आने से पहले अपने अवामी नुमाइंदा के पास जाती है, जबकि आपकी ड्यूटी भी तकरीबन हुई है कि आपने हेल्प कर। देखिए इसमें जो हमारी है कि अवाम जो है कि वो उनको चुनती है, तो हम जब उनको हम जब सियासतदानों की इज्जत दे रहे होते तो हम जो है कि वो जो 1 लाख 1.5 लाख अवाम ने उनको वोट दिया होता तो ये रिस्पेक्ट जो है कि कलेक्टिव एक रिस्पेक्ट जो है कि वो उनके अकाउंट में जा रही होती, तो ये चॉइस जो होती है वो चुनना है या वो इलेक्शन जो है वो तो अवाम के पास हमेशा से होती है। हम भी अवाम के जो है कि वो ताबे हैं, अवाम के पैसे से तनख्वाही लेते हैं और वो भी जो है कि वो भी अवाम के जो है कि वो खादम है, अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं। अब इसमें यहाँ पे मैं जंग की बात तक मैं आपको पूरी आपको इत्मीनान से ये बात कर सकता हूँ कि जनरली यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कल्चर ये है कि जो भी हम अच्छा काम करते हैं या दूसरा उसमें जो है कि अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि जी रुकावट या वो दूसरा या हमारा को ऐसा कुछ देखने में या मेरे सुनने में या मेरे लोअर ऑफिस से रिपोर्ट होती कि जी ऐसे हमें रोका जा रहा है या वो दूसरा, ऐसे अनासर जो कि रेवन्यू में या दूसरों में कुछ जो है कि उनके इश्यूज थे उनको हमने ट्रांसफ़र वहाँ से किया और उनको जो है कि सारों को बताया तो किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया। अब जो है मेरे ख्याल में जंग में भी जो है कि सियासतदान जो है वो ज़्यादा डेवलपमेंट फोकस्ड हो गए, तो जो ऊपर भी मीटिंग्स होती हैं या दूसरा तो अभी काफ़ी ज़्यादा जो है कि वो फोकस होता है वो जो हमारे MNMPs के डेवलपमेंट के लिए हमें मज़ीद जो है कि फ़ंड दिए जाएँ और बैकवर्ड जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो ओवरऑल जो है कि वो कोई ऐसी जो है कि वो सियासी जिसको आप कहते हैं दबाव या वो ऐसा कि और जिससे यानी इंडिपेंडेंस जो है कि एग्जेक्टिव की ख़त्म हो जाए वो वाली बात नहीं है। सर आजकल ना प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कारकर्दगी को ख़ास तौर पर देखा जा रहा है, आप हमें खुद भी नज़र आ रहे हैं फील्ड में जा रहे हैं, कभी मंडियों में सब्जियों के रेट नहीं कंट्रोल हो पा रहे हैं और इसके अलावा बाकी जो फ्रूट्स हैं शायद खुर्दनोश हैं इनकी कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से कोई स्पेशल आपने कोई प्लानिंग किया है, कोई कमेटियों के बंदे बढ़ाए हैं या इनमें कोई मोनिटरिंग के लिए कोई सिस्टम लॉन्च किया ताकि इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके? देखिए इसमें आपको पता है कि मजा से तो ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं, बाकी जो हमारे सुबह मंडियों पे हम भी जाते हैं वहाँ से जो आड़त होती है बोली लगती है उसको भी हम देखते हैं, वहाँ से हम इंश्योर करते हैं कि रेट जो है कि वो इतना ज़्यादा ना हो कि आगे शॉप्स पे वो फिर बिकने में जो है कि वो इशू हो रेट ज़्यादा हो, तो कोशिश काफ़ी कर रहे हैं। और दूसरा एक बड़ी अच्छी ऐप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लॉन्च की है कीमत ऐप के नाम से कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन जो है कि वो या कोई उसकी कंप्लेंट है तो वो उस पर लॉन्च कर सकता है। जी सामिन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़ और आज हमारे जो मेहमान हैं इसमें डिप्टी कमिश्नर जंग जनाब ताहिर भट्टू साहब हैं और हम इनसे मुसलसल यही सवालात कर रहे हैं जो आपने हम पर हमें भेजे सोशल मीडिया के ज़रिए भी और रेडियो पर भी, जब हमने आप लोगों से पूछा कि आप हमें सवालात सेंड करें तो काफ़ी सवाल हमें जो आप लोगों ने सेंड किए हम उन तक पहुंचा रहे हैं और वो भी बता रहे हैं कि इसमें क्या सूरत हाल है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से हमारी बात हो रही है कि शहर में अशियाए खुर्दनोश की कीमतें जो हैं ख़ास तौर पर ये ऐसे लगता है जैसे खुद साख्ता एक महंगाई इसमें क्रिएट हुई है और लोग खुद ही बढ़ा रहे हैं महंगाई, अगरचे इतनी नहीं होनी चाहिए और ये ओवरऑल भी चल रहा है इस किस्म का ट्रेंड के पाकिस्तान में जो खुद साख्ता महंगाई का जो सिलसिला शुरू हुआ है इसे किसी तरह कंट्रोल किया जाए, हुकूमत का भी पूरा फोकस है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जंग का भी इसी पर फोकस है कि इसे कंट्रोल करें। और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर जंग साहब से हम पूछते हैं कि इस वक्त तक किस कदर आप समझते हैं कि कमेटियाँ जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया, खासतौर पर टमाटर एक चला हुआ है कि इसका रेट नहीं कंट्रोल हो पा रहा, तो इस हवाले से आप टमाटर जो है कि अभी नीचे आना शुरू हो गया, ईरान से भी टमाटर जो है वो आ रहा है और दूसरा यहाँ पे जितनी ज़्यादा वो हाइप थी तो हम खुद भी जो कि इसमें मैकेनिज्म है मार्केट में रहे महंगा
बिल्कुल है टमाटर, लेकिन इतना जितना वो 400 फ्लावर या 350 तक तो रेट सुने। हाँ, तो वो इस तरह की नहीं थी। हम भी मंडी में जाके आर्डर से रेट निकलवाते हैं तो तकरीबन 200-220 तक ये गया है। उसके बाद जो है कि ग्रेजुअली अब ये नीचे आ रहा है, तो इंशाल्लाह जो है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे और भी नीचे, यानी कंट्रोल हो जाएगा आपका इस पर। आखिर में मैं चाहूँगा कि आप हमारे रेडियो आवाज़ के लिसनर्स और ख़ास तौर पर झंग के जो हमारे लिसनर्स हैं उन्हें भी और झंग के शहरी हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें तो हमारे रेडियो आवाज़ FM 105 के ज़रिए आप दे सकते। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो सफाई हमारा निसफ ईमान है, उसमें मैं गुजारिश करता हूँ कि जितने हमारे वसाइल हैं, स्वीपर जो है, ये काफ़ी देर से हम नए स्वीपर पे बैन था, वो एक तो वो नहीं है। इसमें जो मैं गुजारिश करूँगा शॉपकीपर से, घरों वालों से, कि जो कूड़ा है वो डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे फेंके, और जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम जो ऑलरेडी जो बड़ा कमज़ोर और बड़ा वीक है, उसमें जो है कि वो कतन किसी किस्म का जो है शॉपर बैग या दूसरे ये इससे अवॉइड करें। ये एक जो है बहुत बड़ी सर्विस है, उससे आपके वसाइल भी बच, जो गवर्नमेंट के वसाइल भी बचेंगे, आपका मोहल्ला और दूसरी चीज़ें भी जो है कि वो साफ़ सुथरी होंगी। दूसरा जो है इसमें मेरी एक गुजारिश और भी होगी, हम अपने तो कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम जो रिलीफ जो है कि लोगों को मिल सके। ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारी हमें भी ज़ाहिर बात है कि वो डेफिशिएंसीज और कमियां होती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो है कि वो रह भी जाती हैं, और वो उसके लिए ऑब्वियसली कि हमें भी जो है कि वो हम भी 100% जो है कि परफॉर्मेंस या वो ऑप्टिमल लेवल जो है कि वो हमारा भी कुछ वसाइल की कमी से, कुछ जो है कि वो हम कुछ हमारी भी कोताहियाँ उसमें होती हैं, तो वो होती है। मैं इसमें यही मैसेज है मेरा कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम खुद कर सकते हैं उसको तो हम ज़रूर फोकस करें, जो हमारी सफाई का है मैकेनिज्म है, फिर जो हमारी ये जो हमारी ये जो कंपेन चलती हैं, जैसे हमारी ये स्मोक की है उसमें क्रॉप बर्निंग ना करें, और उस तीसरा भी हमारी प्राइस की चल रही है, इसमें रिक्वेस्ट है कि प्राइस जो है कि इसमें जो अगर कहीं पे आपको कंप्लेंट है तो कीमत ऐप पे ज़रूर जो है कि वो कंप्लेंट करें। फिर जो हमारे सिटीज़न पोर्टल बने हैं डिफरेंट कंप्लेंट्स के, उसको मेरी गुजारिश है कि उसको प्रॉपर इस्तेमाल करें ताकि वो चीज़ें जो है कि वो हम तक पहुँचें। और मैं एंड पे यही है कि शुक्र गुज़ार हूँ मैं जहाँ के लोगों को, जितनी टाइम गुजरा है बड़ी इज्जत दी है उन्होंने, हम भी अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि जितना उनके लिए कर सकें। बाकी अगर जो है कि वो अगर कोई कुताही कमी जो रहती हैं उसके लिए हम माज़रत हैं, और जो ये आपको हम यकीन दिलाते हैं कि यहाँ पे बैठे हुए जो मकसद एक ही होता है कि जितनी हम मैक्सिमम रिलीफ आप लोगों को दे सकें वो दें। बहुत शुक्रिया सर। ये थे डिप्टी कमिश्नर छंग, जो आज हमारे साथ उन्होंने खसूसी वक्त में दिया। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने रेडियो आवाज़ के सामीन के लिए और हमारे सोशल मीडिया के नाज़रीन के लिए छंग के हमें वक्त दिया। इसके साथ ही मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।